नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पर्चा पर चर्चा में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी घमासान भी तेज हो चुका है और कांग्रेस की जल्द ही पहली लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस से कुछ ऐसे नाम है जो लगभग फाइनल है, तो बीजेपी भी जोर आजमाइश कर रही है। पर्चा पर चर्चा में आज बात करेंगे उन सीटों की जहां से कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम फाइनल माने जा रहे हैं और बीजेपी के भी कई संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। और चलिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है कुछ सीटों का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हम पहली सीट की बात करें तो टोंक है, जहां पर कांग्रेस से सचिन पायलट का नाम फाइनल है, तो बीजेपी से अजीत मेहता, अबू बकर नकवी, गणेश माहौर, लक्ष्मी जैन, राजेंद्र पराना, चंद्रवीर सिंह दावा पेश कर रहे हैं। देखिए श्वेता, सचिन पायलट टोंक के बड़े नेता हैं और कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, राज्य के और देश के। सचिन पायलट यहाँ से चुनाव जीते थे, पिछला विधानसभा चुनाव यूनुस खान को उन्होंने हराया था और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि पहली सूची में सचिन पायलट का नाम होगा। और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, बड़ी लंबी सूची है। अजीत मेहता का टिकट कट गया था पिछली बार, जो विधायक रह चुके हैं। इससे पहले महावीर प्रसाद जैन बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे, मूल रूप से वो निवाई के थे, लड़ते टोंक से थे। और भी कई नाम हैं, कहा जा सकता है कि गणेश माहूर हैं, चाहे राजेंद्र पराना है, चंद्रवीर सिंह है और अबू बकर नकवी। अगर बीजेपी ये सीट फिर से किसी अल्पसंख्यक को देती है तो अबू बकर नकवी, जो कि पिछली वसुंधरा सरकार में बोर्ड के चेयरमैन थे, कर्मचारी नेता हैं, तो ऐसे कहा जा सकता है कि सचिन पायलट तय हैं। बीजेपी की लिस्ट में कई चेहरे हैं, मिलेगा किसे ये भविष्य के गर्भ में। जी बिल्कुल। और कोलायत सीट की अगर बात करें योगेश जी, कांग्रेस से भंवर सिंह भाटी का नाम है। इधर बीजेपी की बात करें तो चंपालाल गैदर, श्याम सिंह हाडला, रवि शेखर मेघवाल और पूनम कंवर भाटी भी अपना दावा पेश कर रही हैं टिकट के लिए। देखिए, कोलायत राजस्थान की हॉट सीट कही जाती है। इसका कारण भंवर सिंह भाटी और देवी सिंह भाटी के बीच होने वाला राजनीतिक द्वंद्व है। देवी सिंह भाटी और उनका परिवार लगातार भंवर सिंह भाटी से दो चुनाव हार चुका है और ये कहा जा सकता है एक जमाना था जब देवी सिंह भाटी यहाँ पर, ये कहा जा सकता था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता कोलायत सीट से। लेकिन भंवर सिंह भाटी ने पिछले तमाम सालों से चले आ रहे मिथक को तोड़ा, अब वो लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। राजस्थान की सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, अशोक गहलोत के विश्वस्त हैं। माना यही जा रहा है कि पहली सूची में भंवर सिंह भाटी का नाम तय है और बीजेपी से पूनम कंवर भाटी, जो कि देवी सिंह भाटी की बहू है और वो पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ी थी, हार गई थी तकरीबन 10,000-11,000 वोटों से। और भी कई नाम हैं, अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रवि शेखर का भी नाम यहाँ चर्चाओं में है। रवि शेखर दावा इसलिए कर रहे हैं कि तकरीबन 50,000 के लगभग वोट यहाँ पर मेघवाल या शेड्यूल कास्ट तबके से हैं। हालांकि ये जनरल सीट है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट को चुनाव में उतारेगी या नहीं उतारेगी, आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को लाएगी या नहीं लाएगी, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी के थिंक टैंक को तय करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी दावा कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि राजपूत सीट के तौर पर ये विख्यात रही है। बीजेपी भी चाहेगी कि राजपूत के सामने राजपूत उतरे और अगर कोई कहा जा सकता है परिवर्तन करना हो या कोई प्रयोग करना हो तो यहाँ पर रवि शेखर का नाम मजबूत है। जी बिल्कुल। और नावा भी बेहद अहम सीट है योगेश जी। कांग्रेस की बात कर ले, महीन चौधरी का नाम यहाँ से तय है। कांग्रेस के लिए आसान है ये सीट है कि एक एक नाम तय, लेकिन अगर बीजेपी पर गौर करें तो विजय सिंह चौधरी, डॉक्टर रजनी गावड़िया, ग्यारा राम रिड़वा, बाबूलाल कुमावत, डॉक्टर गोविंद राम चौधरी यहाँ से अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। कितनी मुश्किल बीजेपी के लिए ये सीट। देखिए श्वेता, कोलायत को एक बार वापस लेते हैं। कोलायत में देवी सिंह भाटी को लेकर चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में लौट सकते हैं, अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई है, वो बीजेपी से अभी दूर हैं। अगर वो बीजेपी में वापस आते हैं तो यहाँ के हालात राजनीतिक तौर पर बदलना तय है। अभी तक बीजेपी के अंदर वापसी को लेकर ये कहा जा सकता है कि कोई फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने उनके नाम को लेकर नहीं लिया है। और नावा सीट पर जैसा विजय सिंह चौधरी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, एक चुनाव उन्होंने महेंद्र चौधरी को हराया था, महेंद्र चौधरी अब यहाँ के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उप मुख्य सचेतक के पद पर हैं और नावा कुचामन जिला बना है
तो वो क्रेडिट भी महेंद्र चौधरी के खाते में जाता है। तो किस तरह से महेंद्र चौधरी ये जिला बनने की मुहिम को अपने लाभ के तौर पर, राजनीतिक लाभ के तौर पर ले पाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नाम हैं और लंबे समय तक यहाँ कुमावत कार्ड बीजेपी ने खेला था और सफलता भी मिली और असफलता भी मिली। अब बीजेपी कुमावत कार्ड खेलेगी या जाट कार्ड खेलेगी, क्योंकि बीजेपी का जो बेसिक वोट बैंक है वो मूल ओबीसी भी कहा जाता है, और वहीं बीजेपी ने यहाँ पे जाट चेहरे के तौर पर विजय चौधरी को भी आजमाया था, वो चुनाव में जीते थे। महेंद्र चौधरी के सामने कौन सामने होगा नावा के अंदर, तो ये नमक की नगरी आखिर क्या सियासत में नया रंग दिखाएगी, ये बीजेपी की लिस्ट को देखकर अंदाजा लगेगा। लेकिन ये तय है कि महेंद्र चौधरी जो कि अशोक गहलोत के प्रमुख रणनीतिकार, उनके सिपहसालार कहे जाते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो अध्यक्ष भी रहे, और अब नावा से उनकी पहचान है, नावा से उनका नाम पहली सूची में तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और योगेश जी माना जाए कि कांग्रेस से ये वो नाम है जो तय है, ना दूसरा कोई नाम है, ना इनकी टिकट कटने के कोई चांस है, क्योंकि अगली सीट की अगर हम बात करें निम्बाहेड़ा, कांग्रेस से उदयलाल आंजना का नाम यहां से तय है। बीजेपी की बात कर ले तो श्रीचंद कृपलानी है, सोहन आंजना है, भूपेन्द्र सिंह बड़ौली है, और अशोक नवलखा भी है। निम्बाहेड़ा कांग्रेस के अंदर उदयलाल आंजना का मजबूत गढ़ कहा जाता है, और श्रीचंद कृपलानी और उदयलाल आंजना के बीच पुरानी जंग है। श्रीचंद कृपलानी पिछला चुनाव जीते थे, उदयलाल आंजना को चुनाव हराया था, उसके बाद वो यूडीएच में के मंत्री बने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान, और इस बार भी श्रीचंद कृपलानी का बीजेपी में दावा मजबूत है। उदयलाल आंजना का पहली लिस्ट में नाम तय है, वो अशोक गहलोत के भी नज़दीक हैं, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के कोर टीम में आते हैं, सचिन पायलट से भी उनकी दूरियाँ नहीं हैं, तो ऐसे में उनके नाम पर कोई संशय नहीं है, और कहा जा सकता है उस इलाके के खासतौर से मेवाड़ के अंचल के बड़े नेता के तौर पर उनकी ख्याति है, और उनके समाज का असर भी दूर तक जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि उदयलाल आंजना का नाम तय है। भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद कृपलानी के अलावा अन्य नाम भी रेस में है, लेकिन मजबूती के तौर पर श्रीचंद कृपलानी का नाम ही सामने आ रहा है, जो वसुंधरा राजे के बेहद नजदीक रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक और अहम सीट है जिसका भी जिक्र कर लेते हैं, पोखरण सीट। कांग्रेस से शाले मोहम्मद का नाम तय है, बीजेपी से इस सीट के लिए प्रतापपुरी शैतान सिंह राठौर और गजेंद्र सिंह शेखावत दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए श्वेता, सरहदी इलाके की पोखरण सीट जो कि पाकिस्तान को टच करती है, पोखरण कांग्रेस से शाले मोहम्मद जो कि अल्पसंख्यक मामला के मंत्री भी हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं गहलोत सरकार में, उनका नाम तय है। आपने नाम सुना होगा, गाजी फकीर के बेटे हैं, जिनका न केवल हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान के सरहदी इलाके में भी दबदबा रहता है। गाजी फकीर के पुत्र होने के कारण भी पूरे इस इलाके में खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग के बीच बेहद दबदबा है इस परिवार का। साले मोहम्मद ने पिता चुनाव बहुत नज़दीकी मुकाबले में प्रतापपुरी से जीता था, तकरीबन 1000 वोटों के अंदर अंदर ये चुनाव उन्होंने प्रतापपुरी को हराया था, जो कि कहा जा सकता है वो तारा तारा मठ जो कि पूरे मालानी की धरती का राजपूत समाज और अन्य समाजों के बीच में सबसे बड़ा मठ है, उस मठ के वो महंत हैं प्रतापपुरी, और बहुत कम अंतर से वो चुनाव हारे थे। हाल ही में भी आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह की वहाँ सभा हुई, और शैतान सिंह राठौड़ जो कि दूसरे दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो वहाँ से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, और संघ उनके नाम को लेकर भी कहा जा सकता है पॉजिटिव है। अब प्रतापपुरी में से टिकट मिलेगा या शैतान सिंह राठौड़ में से, ये अलग बात है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और जोधपुर जो लोकसभा सीट है उसमें पोखरण का इलाका भी आता है, पोखरण जो विधानसभा क्षेत्र है वो जोधपुर लोकसभा सीट में आता है। जोधपुर लोकसभा सीट के सांसद होने के कारण गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी यहाँ चर्चाओं में है, राजपूत नेता के तौर पर भी चर्चाओं में। हालांकि खुलकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस सीट को लेकर दावेदारी प्रस्तुत नहीं किए, ना ही उनके चेहरा आगे आया, लेकिन र्यूमर्स उस इलाके में यही है, और कहा जा सकता है अगर प्रतापपुरी और शैतान सिंह राठौड़ के अलावा किसी का नाम प्रमुखता से अगर सामने आता है तो गजेंद्र सिंह शेखावत का है। बहरहाल कांग्रेस में शाले मोहम्मद का टिकट तय है। जी जी बिल्कुल, तो ये पांच अहम सीटें जिस पर चर्चा की, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका। लेकिन पर्चा में चर्चा पर सीट हम और भी हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और अहम सीटों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।